ओके फ्रेंड, देखिए स्टूडेंट, क्लास फोर्थ मैथ्स यूनिट 11 पेरिमीटर में आज हम लोग ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कुछ फिगर बने हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से कौन सा फिगर है जो किसी एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। एक फिगर ऐसे है कुछ, दूसरा भी ये फर्स्ट है। जरा सा एक फिगर बना दूं ताकि कोई भी इस वीडियो को देखे। एक इस तरह से लाइनिंग है और उसके बाद ऐसे फिगर है और फिर थर्ड है इस तरह से लाइनिंग है और इस तरह से फिगर बना हुआ है। फोर्थ है ऐसे बना हुआ है फिगर। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फिगर है जो एक ग्रुप को फॉलो नहीं करता। देखिए क्या डिफरेंस है। इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, ठीक है। चारों फिगर को अच्छा देखिए। चारों फिगर को देखने पर क्या समझ में आ रहा है कि क्लोज्ड फिगर तो सारे के सारे हैं, लेकिन इन सब में देखिए लाइन सेगमेंट कहीं कहीं यूज किया गया है और ये वाला फिगर पूरा पूरा लाइन सेगमेंट यूज करके बनाया गया है। क्यों यही फिगर अलग होगा मुझे लग रहा है। यस सर। यस सर। और किसी को और कोई फिगर को अलग नहीं लग रहा है? नहीं। नो सर। यानी डी ऑप्शन अलग सही होगा। ओके यस सर। ठीक। क्वेश्चन डी क्या दे रहा है सुनते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। एक पेरीमीटर है उसका पेरीमीटर, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर। इफ लेंथ ऑफ वन साइड, ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं, एक साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो बाकी के दो साइड का सम कितना होगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रायंगल है कोई, ठीक, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये दे दिया पेरीमीटर ट्रायंगल का और ट्रायंगल ए बी सी है तो क्या होगा, क्या होगा तीनों साइड को ऐड कर दीजिए तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऐसे कि पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ऐसे लिख सकता हूं मैं क्योंकि ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखिए मैंने तीनों साइड को ऐड कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सही है। अब कह रहा है कि इसमें से कोई एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, मान लेते हैं ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर। तो क्या क्या मालूम है हमको, ए बी मालूम नहीं है, बी सी मालूम नहीं है, CA की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और पेरीमीटर कितना है ट्रायंगल का, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, अब दो साइड बच गई AB प्लस BC, इसको यही रहने देते हैं। और मैंने सिखाया था कि जब लेफ्ट साइड से राइट साइड कोई नंबर ले जाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, साइन उलट जाती है। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो 15 माइनस 4 कर दिए तो हमको मिला ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर आंसर आएगा, बाकी दो साइड का सम। ये तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर
राइट ऑप्शन। ठीक द करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन सी है, राहुल कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर इन रनिंग अराउंड ए स्क्वायर गार्डन वंस। एक स्क्वायर गार्डन है, उस स्क्वायर गार्डन का एक चक्कर पूरा लगाने में राहुल मतलब 800 मीटर रन किया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द गार्डन, गार्डन के एक साइड की लेंथ। चलिए देखते हैं गार्डन के एक साइड की लेंथ। सबसे पहला काम तो देखते हैं क्या दिया है, एक स्क्वायर गार्डन दे दिया ठीक। और राहुल इस गार्डन को जब दौड़ना स्टार्ट करता है, एक राउंड लगाता है, तो डिस्टेंस कवर इन वन राउंड इज इक्वल टू 800 मीटर। एक राउंड में जितना डिस्टेंस चला वो है 800 मीटर। एक बात बताइए कि एक राउंड यहाँ ए बी से बी सी, बी सी से सी डी, सी डी से डी ए, यही तक एक राउंड हुआ, तो यही तो पेरीमीटर भी हुआ इस स्क्वायर का ना। तो इसकी साइड बतलानी है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का आता है नहीं, इसको भी लिखने से पहले एक लाइन लिख लें कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर, जो दूरी तय की गई, जो डिस्टेंस चला राहुल, वही तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर भी है भाई। राहुल ने यहां से रन करना स्टार्ट किया, ए से बी पर गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया, तो इतना में उसको 800 मीटर लगा। और यही पेरीमीटर भी होता है स्क्वायर का, चारों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो यानी ये दोनों बराबर हो गए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 × साइड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ये कॉपी पर करते चलिए आप लोग, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, केवल टिक द करेक्ट ऑप्शन मत मान के चलिए इसको। तो 4 × साइड इक्वल टू 800 मीटर मैंने कवर किया था, तो अब 4 यहां देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैंने बतलाया था कि जब लेफ्ट से कोई नंबर राइट जाता है तो उसका साइन बदल जाता है, यहां मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड, साइड इज इक्वल टू 800/4। तो साइड कितना आ गया हमारा, डिवाइड करके देख लीजिए 800 को 4 से, 4 × 8 जीरो, एक बार में क्रॉस हुआ फिर जीरो, जीरो एक बार में क्रॉस हुआ ठीक, यानी 200 मीटर एक साइड कितनी हो गई 200 मीटर, कोई भी एक साइड, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होती है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ बेटा, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। ये पार्ट वन चल रहा है, पूरा हो सकता है ना पार्ट वन अगले वीडियो एक वीडियो में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डी, आई नीड डैश ऑफ रिबन टू मेक ए बॉर्डर अराउंड ए रेक्टेंगुलर पिक्चर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रिथ 8 सेंटीमीटर। एक कोई उनके पास पिक्चर है, फोटो है, और उसको फ्रेम करना चाह रहा है ठीक है, बाउंड्री बनाना चाह रहा है, बॉर्डर बनाना चाह रहा है। तो एक रेक्टेंगल वाला बना लेते हैं, थ्री का समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो। वन का डैश
देखेगा पिक्चर है कोई उनके पास और इसको बॉर्डर करना है, इसको बॉर्डर करना है। रेक्टेंगल का नाम पी क्यू आर एस हमने दे दिया, लेंथ दिया है रेक्टेंगल का 20 सेंटीमीटर और विड्थ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इधर रेक्टेंगल की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ये 20 है ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होती है ये 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब कह रहा है कि इस पिक्चर के ऊपर रिबन लगाना है, कितना रिबन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, भाई रिबन कहां से कहां तक लगा लिया, पी से क्यू, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, यही तो रिबन लगाएंगे ऐसे 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 और ऐसे। तो अगर हम इस फिगर का पेरीमीटर निकाल दें तो काम बन जाएगा, जितना पेरीमीटर आएगा उतना ही हमारा रिबन लगेगा। तो अब रिक्टेंगल है तो रिक्टेंगल के भाई ऐसे तो पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, एक तो वो तरीका है। और जब हमको पता है कि ये रिक्टेंगल है तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रिथ, याद आ रहा है रिक्टेंगल के पेरीमीटर का लेंथ ऑफ होता था, तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 20, 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू ब्रिथ, ब्रिथ कितनी है 2 इंटू 8, 40 प्लस 16 56 सेंटीमीटर। जितना पेरीमीटर होगा उतना ही रिबन लगेगा। तो देखिए 56 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, दिस ऑप्शन इज राइट। ठीक, ई वाले क्वेश्चन में देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसका फिगर का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये फिगर बना, सबसे पहले इस फिगर की कुछ नेमिंग कर देते हैं, नेम दे देते हैं। तो ए बी सी डी दे देते हैं, बी सी डी, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ई और इस पॉइंट का नाम दे दिया एफ। तो जब इस तरह का कोई फिगर होता है तो हम पेरीमीटर का काम को समझते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर is equal to sum of all sides। चलिए सभी का सम करते हैं, AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA प्लस। अब बतलाइए एक साइड तो बची है अभी, ये वाली साइड, तो इस साइड को हमें ऐड करना है कि नहीं, BE को, टेल मी, हमने AB BC CD DE EF FA ऐड कर लिया, ये जो साइड है बी ई, इसे ऐड करना है कि नहीं, कोई मुझे बतलाए। यस अनुष्का, करना है ऐड कि नहीं सर, बी बी ई को? हाँ नो सर, नहीं करना है। क्यों सर? क्योंकि वो बीच में है, क्योंकि वो फिगर के अंदर है, आउटर लाइन नहीं है, बाउंड्री नहीं है। तो जब बाउंड्री नहीं है तो उस लाइन को ऐड नहीं करेंगे। ठीक, देखिए जो डी ई है वो बीच में आएगा ना फिगर के,
और पेरिमीटर में हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल बाउंड्री, जो बाहर का लाइन है उसको केवल ऐड किया जाता है। तो चलिए इन सब की वैल्यू लिखते हैं, ए बी कितना 4, बी सी 3, सी डी है 1, डी ई 3, ई एफ 3 और एफ ए 2। ऐड कर लीजिए 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं 16 सेंटीमीटर थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो इस फिगर का पेरिमीटर होगा 16 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फिगर दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, और इन फिगर का हमको पेरिमीटर फाइंड आउट करना है। पहला जो फिगर है उसके बारे में पूछ रहे हैं, जिससे पूछा जाए वो आंसर देगा। पहले एक चीज बतला दूं, कोई भी बाउंड्री फिगर है, क्लोज फिगर, उसका हमको पेरिमीटर निकालना है तो हम सारी बाउंड्रीज का सम करते हैं ना, जो भी आउटर बाउंड्रीज है जितना सम करने पर आ रहा आएगा वही उसका पेरिमीटर होगा। इस बॉक्स में मैं पेरिमीटर का आंसर लिखूंगा। तो आई एम गोइंग टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मान्या। मान्या अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट योर माइक। यस मान्या, यस सर। व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ दिस फिगर? ओनली मान्या सम कर लीजिए सभी साइड का, 4 प्लस 6 10, बताइए आप पहले ऐड करके। यस मान्या कितना आया? सर मुझको ये अभी नहीं समझ आया है। ओके बहुत अच्छा बात आपने बतला दिया, इससे पहले आप नहीं बतला रही थी। चलिए नहीं समझ में आया तो आप समझिए, पेरीमीटर का मतलब होता है ना बेटा जितनी साइड है। देखो इस फिगर में कितनी साइड्स हैं, यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग लाइन, लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक वन लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन और ये लाइन। तो जितनी लाइंस होती है मैं नाम दे देता हूँ इनका, ए बी सी डी ई और एफ। केवल मान्य बोल रही है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, कोई बीच में भी नहीं बोलेगा। तो मान्य देखिए इसका पेरिमीटर निकालना है तो सभी साइड को ऐड कर दीजिए। पहले ये साइड, ये कितना है भाई 4, प्लस ये साइड कितना है 6, प्लस ये साइड 2, प्लस ये साइड है 4, ये साइड 3 और ये साइड है 3, इनको ऐड कर लीजिए। 4 6 10 प्लस 2 12, 4 ऐड करेंगे 16 और 16 का 6 ऐड करेंगे तो 22, ऐड करने पर आ गया 22। तो ये जो ऐड करने पर आया यही इस फिगर का पेरिमीटर होगा। मान्य yes, समझ में आई? यस सर मुझको समझ में आ गई। हाँ तो एक आप अगला पूछने जा रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आपको आंसर देना है इस वाले फिगर का। क्वेश्चन डी, मान्या डी वाले का देखो, एक ये लाइन है, फिर ये छोटी सी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, फिर ये लाइन है और फिर एक बड़ी सी लाइन है। तो सारी साइड को ऐड कर दे, इन लाइंस को मैं साइड बोल रहा हूं, ऐड करके नंबर बताइए तो मान्या कितना आ रहा है। इसका भी नेम दे देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मैंने नेम दे दिया। अब इसे ऐड करिए मान्या जल्दी से, तो रफ कर लाइए ऐड करके। देखिए ये PQ वाली साइड से स्टार्ट की है तो 2, ये छोटी साइड 2, ये साइड 1। हाँ बोलिए मान्या कितना आया?
सर आई हैव वन क्वेश्चन। चलिए मान्या करी, 11 आया। कौन है यशस्वी बतलाइए सर, कितना आएगा इसका जो आंसर है 22 सेंटीमीटर, सर उसे लिखना कहाँ है? वही इसी तरह बॉक्स बनाकर फिगर के नीचे लिख दीजिए, बगल में, फिगर के बगल में बना दीजिए जिधर जगह है। चलिए मान्या ने इलेवन बताया, हम लोग चेक करके PQ 2, ये वाला 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 2, और ये साइड है 2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 7, तो देखते हैं ऐड करके 2 5 3 8 9 11 13 और 7 20 आ रहा है मान्या आप लोगों का। आपने कैसे यस सर 20 आया है मान्या, गलती कहाँ हुई भाई? सर मैं बताऊँ सीखा, इसका आंसर 20 सेंटीमीटर आएगा। चलिए मान्या सर आप अब मैं बताऊँ, एक मिनट मान्या ने मिस्टेक क्या किया सुनिए। आपको पहले ये साइड ऐड कर दी थी, फिर ये छोटी साइड, फिर ये छोटी साइड इस तरफ भी है लाइन, फिर इस वाली लाइन को ऐड करना चाहिए, उसके बाद फिर इधर एक छोटी लाइन है, इधर एक छोटी लाइन है, फिर एक छोटी लाइन है और फिर एक लंबी लाइन है। इन सब को सारे के सारे साइड को ऐड करेंगे तब पेरिमीटर मिलेगा। अच्छा किसी और को प्रॉब्लम है इसमें? एक मिनट नहीं नहीं यशस्वी माइक म्यूट करिए, मैं पूछ रहा हूँ और किसी को प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम हो तुरंत पूछे। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक अब क्वेश्चन नंबर सी, एक मिनट यशस्वी, प्रॉब्लम ये है ना बेटा कि आपको आ रहा है, मान्या ने एक गलती कर दिया, पहले में उसे आ नहीं रहा था, दूसरे में थोड़ा बहुत आ रहा था तो उसने गलती कर दिया, अब तीसरा मौका उसको दे रहा हूँ, देखते हैं कि मान्या सही सही बतला देती है कि नहीं। ठीक है यशस्वी, ओके सर। हाँ मान्या माइक अनम्यूट कीजिए। अब देखिए एक फिगर सी में ये है, इसका भी नेम दे दे रहा हूं, ए बी सी डी ई। मान्या आप केवल ये बताइए कि इस फिगर में कितनी लाइन है, लाइन कितनी है हमको काउंट करके बताइए। सर फाइव फाइव, 1 2 3 4 5 और बीच में भी एक लाइन है ना? यस सर। तो टोटल हो गई 6 लाइन। ठीक, लेकिन हम लोग पेरीमीटर जब निकालते हैं तो फिगर का बाहर बाहर जो साइड होता है आउटर बाउंड्री, उसी को ऐड करते हैं। ये वाला लाइन तो फिगर के अंदर है तो इसको तो हम ऐड करेंगे नहीं। अब मान्या आप साइड पे लेंथ को ऐड करके बतलाइए कितना आएगा, केवल मान्या जवाब देंगी। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, इनको ऐड करके बतलाइए कितना आ रहा है बेटा। रफ कैलकुलेट कीजिए, ये एबी साइड होगी 2, बीसी साइड होगी 2, सीडी साइड होगी 3, D E साइड हो गया 2 और E A साइड हो गया 2। मान्या कितना आया? सर मैं कर रही हूँ रुकिए जरा। हाँ ठीक ठीक ठीक, हम लोग वेट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। बतलाइए ऐड करके, हाँ हम लोग वेट कर रहे हैं। Yes, sir. क्या बोली कितना? 11 सर, 11 सेंटीमीटर। देखिए सर आई आंसर 11 सेंटी
मीटर। इस तरह से आपको हर एक साइड के लेंथ को ऐड करना है। चलिए माइनस कर लीजिए सर। नेक्स्ट का मैं बताऊं, आद्या की बारी है। आद्या, डी वाले का बताइए आंसर। आद्या यस सर, बताइए इसका पेरीमीटर कितना आएगा। सभी साइड नेम दे दें। ई सर कर दे। हां इस वाले फिगर का पेरिमीटर आते हैं बस लाएंगे। पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये साइड और लास्ट ये साइड ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। ये सर ऐड कर दे। वन टू यस वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। जी आद्या कितना आया सर। पर ठीक ठीक सिंपल है। 5 और 6 5 और 1.36 6 में 2 ऐड करेंगे 8 8 में 2 ऐड करेंगे 10 10 में 5 ऐड करो कितना आएगा सर। 15 सेंटीमीटर। तो इतना टाइम क्यों लगा। 15 सेंटीमीटर। ये साइड ऐड करेंगे कि नहीं आप क्या आरटी। नो सर। क्यों? क्योंकि वो अंदर की लाइन है। जी ये अंदर की लाइन है फिगर के। और जब हम पेरिमीटर निकालते हैं तो बाहर की साइड से निकालते हैं ना। यस तो इससे क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू हम लोगों का ब्रेन टीजर का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।